नमस्कार और सभी का फिर से स्वागत है कौशिक थिंक्स चैनल के एक नए वीडियो में। तो पहले सभी को हैप्पी होली, और इस रंग के उत्सव में सभी के जीवन में रंग भरा खुशी आए उसी का कामना करता हूँ। और आज हम कोई प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले नहीं हैं, आप सभी को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज हम एक टॉपिक कंप्यूटर रिलेटेड एक टॉपिक लेके आज आगे बढ़ने वाले हैं। जो कोई आज आप में से जो जितने भी दर्शक हमारे पीसी रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड कामों से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता ही है कि आजकल मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड प्राइसिंग, ग्राफिक्स कार्ड शॉर्टेज को लेके एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। प्लस माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग को लेके भी माइनर्स भी ग्राफिक्स कार्ड मार्केट से गायब कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारा एक झोल चल रहा है। उसके बीच सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि क्या हमें सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहिए। तो आंसर डायरेक्टली है नहीं, उसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। तो हाँ और ना भी है, कंडीशन अप्लाई। कैसे कंडीशन अप्लाई आपको बताता हूँ। कंडीशन होगा वैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, जो यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड आप खरीद रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, और आपसे पहले वो उसका यूज़ कौन करता था, क्या वो कोई कंप्यूटिंग करने वाला, कोई गेमर या कोई माइनर यूज़ कर रहा था। तो अभी आपके आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आ गया होगा, इतने सारे झोलझाल, उस झोलझाल को मैं सीधा कर देता हूँ, चलिए आपका झमेला मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मार्केट में आप सभी को पता ही है, गीगाबाइट हो गया, MSI हो गया, कलरफुल हो गया, जोटेक हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। उनमें से ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड का 3 ईयर्स का वारंटी पीरियड रहता है, प्लस जोटेक एक कंपनी है जिसका 5 ईयर्स का वारंटी रहता है। तो आप जो ग्राफिक्स कार्ड खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड, अगर आपको वारंटी पीरियड के अंदर मिल जाए तो आपके बाबा आपके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको केयर सेंटर में भेज के उसका रिपेयरिंग करा सकते हैं, लेकिन अगर वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है तो उससे दूर रहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया, अगर ये जो ग्राफिक्स कार्ड आप खरीद रहे हैं वो कोई माइनर यूज़ कर रहा था तो उससे दूर रहना चाहिए। क्यों? एक ग्राफिक्स कार्ड को एक गेमर या कंप्यूटिंग करने वाला जब थोड़ा टाइम यूज़ करेगा, उसके बाद बंद। लेकिन एक माइनर उसको दिन रात 24 घंटा 24/7 उसको यूज़ करेगा, और उससे जितना हैश रेट हो सकता है उससे निकालेगा और क्रिप्टो माइनिंग करेगा। तो उससे क्या होता है, आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप 24/7 यूज़ करते हैं तो उसका जान कितना बाकी रह जाता है भाई, तो उसका जान तो ऐसे ख़त्म हो गया। तो आप लाके यूज़ क्या करेंगे उससे, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ही नहीं। आपको जो कैपेबिलिटी चाहिए था, परफॉर्मेंस चाहिए उसमें से, वो मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपको कंप्यूटिंग या गेमर्स के द्वारा यूज़ किया हुआ सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड अगर मिल जाए तो अच्छा है। अगर वो भी ना हो, सबसे बढ़िया है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ दिनों बाद ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस फिर से आपको शायद MSRP पे ना मिले, थोड़े से MSRP के ऊपर ही हो लेकिन थोड़े से डाउन होंगे, तब आप अगर नया ग्राफिक्स कार्ड ले लें तो बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आज के दिन एक स्टार्टिंग लेवल ग्राफिक्स कार्ड है 1050 Ti, उसको अगर मार्केट में लेने जाएं तो 25,000 के बीच में आपको पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, कौन से कंपनी का लेते हैं उसमें 1,000-1,500 का डिफरेंस आता है। अगर आपको वही प्रोडक्ट 1050 Ti देखने में चमकदार
अपने सिस्टम में लगाए नहीं उससे पहले, देखने में तो चमकदार है लेकिन आपको 12-13 हज़ार में मिल जाए तो अब तो बोलेंगे तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन हर चमकता चीज़ जैसे सोना नहीं होता और जैसे दूर का ढोल सुहाना ही लगता है, वैसा ही हर ऐसा साफ सुथरा देखने वाला कार्ड भी अंदर से हमेशा ठीक नहीं रहता। इसलिए जो भी अगर आप सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो आपको सोर्स पता है तो ज़रूर लीजिए, अगर सोर्स नहीं पता है तो ज़रा सावधान रहिए। प्रिफरेबली फर्स्ट हैंड ग्राफिक्स कार्ड लेना ही मैं पसंद करूँगा खुद के लिए भी। और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप में से किसी का भी कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न मुझे बताइए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकता है आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। आने वाले वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, तब तक देखते रहिए कौशिक थिंग्स। धन्यवाद और नमस्कार।